जय मिथिला, हम स्नेहा झा और अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। आई जतय से हम अहाँ सबके स्वागत कर रहल छी तकरा बारे में हम जतेक बखान करी लगे हमरा लग शब्द कम पड़ जाए। बता दी कि पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के पैतृक गांव छियनि जे हरिपुर बक्सी टोल छै, और जतय भव्य मनसा देवी के मंदिर के निर्माण भेलैया जकर 24 मई के उद्घाटन सेहो होयत। हमसब एखन हरिपुर में बक्सी टोल में छी, ओहि मंदिर में छी, और बता दी कि ओहि ट्रस्ट के निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज सबके जे ट्रस्ट छनि तकर सचिव इंदिरा झा हमरा सब संगे छथि, हुनका सब बात करब आर जानब। ई तो हमरा सबके सुनल अछि कि महाराज के प्रेरणा से एतेक नीक एकटा मंदिर के भव्य परिकल्पना कयल गेलै जे एतेक नीक भव्य मनसा देवी के मंदिर बनतनि। बाकी केना विचार भेलै और एतय तक बात केना पहुँचलै हमसे अहाँ से जानना चाहब। बहुत बहुत आभार अछि अहाँके। एना छै जे जगतगुरु शंकराचार्य के 11 जुलाई 2018 के हमसब हुनक प्राकट्य दिवस मनौने रहियनि, और हमसब एकटा हुनका से संदेश के याचना केलियनि, और ओ संदेशक याचना जान के लिए ताई में जे गुरुदेव स्वयं हमरा सब के संकेत केलन जे ई जे विषहरा स्थान है जे मनसा देवी छथि ओ बहुत सिद्ध स्थल है, और हमर भावना है जे एक भव्य मनसा देवी के मंदिर बनाए। तो गुरुदेवक 75वें प्राकट्य दिवस में जे ई संदेश हम सब प्राप्त केलहुँ ओ संकल्प में परिणत भेलै, और वो संकल्प इएह भेलै जे जहन जगत गुरु के असीम प्राकट्य दिवस हेतनि जे 15 जून 2023 के जगत गुरु के असीम प्राकट्य दिवस छनि, ओहिसँ पूर्व ई मंदिर के निर्माण कऽ हमसब जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग के श्री चरण में एकरा हमसब प्रस्तुत करी सब शिष्यगण। तो एही भावना के संग ई मंदिरक निर्माण भेलै। तो जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग एहि मंदिर के विषय में चारिटा बहुत विशेष बात कहै छथिन। एकटा तो ई कहै छथिन जे ई बहुत सिद्ध भूमि अछि, ज्ञान भूमि अछि, और आइ जे हमरा विश्व के सर्वोच्च पद प्राप्त अछि शंकराचार्य को हिनकर कृपा से प्राप्त अछि। तो एक तो ई महत्वपूर्ण विषय भेलै। दोसर विषय ई छै जे ई भगवती आइ के तारीख में सेहो एतेक जागृत छथि जे जगत गुरु के ऊपर आज के जानकारी हुआ कि जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर अलकायदा के सो थ्रेट छन, चूँकि हिंदुत्व के एकमात्र झंडा लग जे विश्व में सनातन धर्म के एकमात्र झंडा लग जे घूमि रहल छथिन ओ छथिन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जिनक जन्मभूमि में हमसब एखन गप कऽ रहल छी, बातचीत भऽ रहल अछि। तऽ जगत गुरु के कहब छनि जे आइ के तारीख में हमरा पर कतौ से कोनो आक्रमण होइए, कोनो संकट अबैए, तऽ ई भगवती आगू बढ़िकऽ स्वयं ओकरा झेल लै छथि, ओ रक्षा करै छथि। तऽ ई दूटा विषय अपना आप में बड्ड अपूर्व छै, और जगत गुरु के परम आराध्या छथिन, हुनक जे बाल्यकाल में एतऽ ककरो परोपट्टा में सांप कटै, ककरो एतऽ तऽ इहो कथा छै जे एकटा मृत महिला के आनि कऽ राखि देल गेलनि हुनका सम्मुख, ओकरो जीवित कऽ देलखिन। तऽ ई विषहरा हुनका सिद्ध रहथिन, ओ स्वयं कहै छथिन कए बेर, अगर यूट्यूब पर हुनका लोक फॉलो करै छनि सुनै छनि तो कहै छथिन जे हम नाग लोक से आयल छी। तऽ जे नाग लोक से आयल जगत गुरु छथिन ओ तऽ एतऽ सँ माटि उठबथिन, एना कऽ कऽ जे फेंक देथिन ककरो ऊपर तऽ ओकर नागक विष उतरि जाय। एहि तरह से जे विषहरा जिनका सिद्ध छथिन से विषहरा तऽ एखन एतऽ पिण्ड स्वरूप छथि, कारण जगत गुरु शंकराचार्य के पूर्वज ओ गेलखिन आसाम, बहुत पूर्व के कथा छै, आ ओतय ही भगवती प्रकट भऽ गेलखिन आसाम में, कहलखिन जे मुझे अपने साथ ले चलिए और पिंड के रूप में वहाँ स्थापित कीजिए। तो गुरुदेव के पूर्वज पिंड के रूप में स्थापित केलखिन, और ई हमरा सबके बहुत गोटा जनितो हेता बहुत गोटा नहियो जनित हेता जे विषहरा तऽ घर घर में पूजित छथिन सम्पूर्ण विश्व में, मिथिला में सेहो, मिथिला में बहुत अधिक, वो बट सावित्री हुआ कि मधुश्रावणी हुआ सब में पूजा होइ छनि हुनकर। तऽ ई जे विषहरा जहन मूर्ति स्वरूपा होइ छथिन तऽ हुनक नाम मनसा भऽ जाइ छनि जे हरिद्वार में छथिन, और जगत गुरु के तऽ 8 जनवरी के हम स्वयं प्रार्थना कयने रहियनि एक संदेश लेल, ओ तऽ एतऽ तक कहलखिन हँ जे हरिद्वार में जे हुनक पूजन पद्धति छनि ओहो बहुत परिष्कृत नहि छनि। तऽ हुनक भावना छनि जे एतऽ जे पूजा पाठ हुए, जे हुनक पूजा पद्धति हुए, वो पूरा शास्त्र सम्मत हुआ, विस्तृत रूपे हुए, जे भगवती पूरा मिथिले नहि पूरा विश्व के लेल ही कल्याणकारी होथि आर ई सबके आशीर्वाद एतऽ प्राप्त होइ। एहि क्रम में डॉक्टर विदेश्वर झा छथि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग के पूर्व अध्यक्ष,
हुनकासँ हम याचना केलियनि जे अहाँ एकटा पूजा पद्धति तैयार कऽ कऽ दिअ। तऽ ओकर मैन्युस्क्रिप्ट हम लऽ कऽ जगतगुरुके देखाबऽ जा रहल छियनि। जगतगुरु शंकराचार्यके स्वीकृति हेतै तऽ ओ पूजा पद्धति एतऽ ओहिके अनुरूप एतऽ पूजा पाठ हेतै। 24 तारीखके एतऽ प्राण प्रतिष्ठा हेतनि उद्घाटन। तऽ आजुक की कार्यक्रम छै? आजुक कार्यक्रम ई अछि जे ई तऽ आब बहुत बेसी एकर प्रचार प्रसार भऽ गेल अछि, वैशाख शुक्ल पंचमी होइ छनि भगवतपाद आदि शंकराचार्यके जयंती। तऽ जगतगुरु छथि आदि शंकराचार्यके परम्परामे 145वें शंकराचार्य गोवर्धन मठपुरीके। तऽ ई तिथि हमसब निर्धारित केलहुँ जे आदि शंकराचार्य जयंतीके दिन भगवती मनसा देवी भगवान जगन्नाथक आज्ञा ओतऽसँ लैत प्रार्थना करैत हुनकासँ ओतऽसँ हमसब एहि अपन शोभायात्राके प्रारम्भ केलहुँ। विदित हो कि ओ तऽ खाली ओहिमे रथमे भगवतीए टा नहि छथि, हुनका सङ्गे 37टा परिकर छथिन, हुनक आओरो देवी देवता छथिन, 2टा शेर छै आओर पीतलके चक्र आदि छै, बहुत किछु आबि रहल छै। तऽ ओ भगवतीके जखन ओतऽसँ गोवर्धन मठसँ प्रस्थान कयलनि तऽ ओहि राति टाटा झारखण्डमे हुनक विश्राम रहनि। ओतऽसँ अगला दिन आओर सब जगह भक्ति आओर भक्तक जे देखल गेलैए भावना, ओ कहऽवला नहि छै। संयोग छै कि आइ जानकी नवमी छै जे एखन मिथिलामे पधारि। बस इएह हम कहऽ जा रहल छलहुँ। तऽ पञ्चमी दिन ओतऽसँ प्रस्थान भेलनि। पञ्चमी भगवतीके दिन छनि, विषहराके दिन छनि, वैशाख शुक्ल पञ्चमी प्रस्थान भेलनि। जानकी नवमी दिन भगवती घर अबै छथि आओर जाहि दिन हुनक प्राण प्रतिष्ठा छनि ओहो पञ्चमीके दिन छै। तऽ ई जे अद्भुत अलौकिक बात सब भऽ रहल छै, संयोग छै, भगवती से भगवती कृपासँ छै। आब हमरा सब सङ्गे सुजीत झा छै जे शुभंकरपुरसँ छथि आओर मीडियाके जे प्रभार छै से हिनके देल गेल छनि। तऽ केहन लागि रहल छै मैयाके जे स्वागतके अहाँ सब तैयारी केने छियै जगह जगह पर, अहूँ सबके चौक पर सेहो तैयारी छै, तऽ केहन अनुभव छै मनसा देवीके जे स्वागत? दरभंगाके बाद कपिलेश्वर, सौराठ, रेका, लोहा, पूरा तैयारी छै। लोक सब बहुत उत्साहमे देखि रहल छै, पूरा आदमी तैयार छल। आ सबसँ पैघ बात ई छै जे लोकके एकटा मिथिलाञ्चलमे शंकराचार्यजीके अपन जन्मस्थान छनि, ओहिठामका एकटा विशेष तैयारी हेबाको चाही, ओहि अनुसार हमसब तैयारी केलहुँ। आ ओकर साँझमे आइ एखन अनबेन से देखबे करब। सब ओहि मन्दिरमे छी जकर 24 मईके प्राण प्रतिष्ठा एतऽ मनसा देवीके हेतनि, जे पूरीसँ चलि कऽ मिथिलामे पधारि रहल छथि। आओर संयोग एतेक नीक छै कि आइ जानकी नवमी छै, पञ्चमी दिन हुनकर ओतऽसँ विदाई होइ छनि आओर आइ जतऽ जखन पहुँचती तऽ आइ जानकी नवमी छै आओर मिथिलामे ओ प्रवेश कऽ रहल छथि। मन्दिरके जे नक्शा छै से अपने सब देखे रहल छियै आओर पूरीके जे शिल्पकार छथि ओ सब आबि कऽ एतऽ एकर गुम्बज कही या बाहरी जे एकर आकृति देल गेलैए से पूरीके शिल्पकार द्वारा देल गेलै आओर भव्य लागि रहल छै। हमरा लागैत अछि कि बिहारके पहिल आओर मिथिलामे एहन चीज देखऽ लए भेटत, ई हमसब शायद स्वप्नोमे सोचने नहि रहै छी, लेकिन एहन एहन चीज माँ भगवती अपने करा लैत छथि, चाहे ओ कोनो देवी होइत। हमरा लगैए हुनका सबके शक्तिके बिना ई सब कार्य सम्भव नहि छै। तऽ जिनको भी प्रेरणा माँ शंकराचार्यजीके प्रेरणासँ बनलनि, हुनकर परिकल्पना छनि, लेकिन माँ शक्तिके या देवीके जे स्वीकृति छनि ओहिके अलावा एहन एहन भव्य कार्य नहि भऽ सकैत छै। तऽ 24 तारीखके जरूर एतऽ पधारी सब गोटे आओर जे एतुका प्राण प्रतिष्ठा हेतनि मनसा देवीके जे भव्य एतऽ प्राण प्रतिष्ठा हेतनि, मन्दिरके उद्घाटन हेतै, ताहिमे सब गोटे सम्मिलित रही, कियाकि मिथिलाके बात छै आओर मनसा देवी आओर आइ जानकी नवमी छै। ताहि लए बार बार अपने सबके हार्दिक शुभकामना। सब गोटे जानकी नवमी छोटे सही लेकिन मनाबी जरूर। जानकीके जे स्थान छनि मिथिलामे ओ दोसर नहि छै आओर ओहिके दिनमे आइ मनसा देवी एतऽ पधारि रहल छथि। सब गोटेके जानकी नवमीके हार्दिक शुभकामना। जय मिथिला। XT600HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।